दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट प्रीमियम स्मार्टफोन्स जो 20,000 रुपीज की मिड रेंज प्राइस कैटेगरी में आते हैं। ये सभी ऑलराउंडर स्मार्टफोन्स हैं जिनमें नियर टू फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर, एमोलेड डिस्प्ले, बेस्ट कैमरा सेटअप, डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस, बेस्ट बिल्ड क्वालिटी, एंड्रॉइड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी लेटेस्ट फीचर्स मिल जाएंगे। वैसे इस प्राइस में बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने मिलते हैं, उन्हीं में से मैंने हर एक ब्रांड की तरफ से बेस्ट स्मार्टफोन सिलेक्ट किया है जो आपको वैल्यू फॉर मनी फीचर्स प्रोवाइड करता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कैमरा, परफॉर्मेंस या एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन की है तो इस वीडियो में आपको वो सब मिल जाएगा। तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसे बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी और अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट स्मार्टफोन सिलेक्ट कर पाओगे। उसी के साथ देखेंगे इन सभी के डिटेल, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और जानेंगे आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला है Redmi Note 12 5G। ये फोन उन लोगों के लिए जो एमोलेड डिस्प्ले, बेस्ट बिल्ड क्वालिटी और डिसेंट कैमरा सेटअप वाला एक स्मार्टफोन चाहते हैं। यह 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, 1200 निट्स की ब्राइटनेस, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 और IP53 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ। इसके अलावा इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4Gen 16nm 5G प्रोसेसर मिलता है जिसका अंतत स्कोर इस फोन के साथ 3,90,000 के करीब मिल जाएगा। उसी के साथ 48 मेगापिक्सल वाइड, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल माइक्रो और 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप। इसमें आप सिर्फ 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके अलावा 5000mAh की बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम विद MIUI 13, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm ऑडियो जैक, IR ब्लास्टर, LPDDR4X रैम टाइप, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप, 5GB वर्चुअल रैम, हाइब्रिड सिम स्लॉट और ड्यूअल स्टैंडबाय 5G विद 7 5G बैंड्स जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। अभी इसका 4GB 128GB का वेरिएंट 18,000 रुपीज और 6GB 128GB का वेरिएंट 20,000 रुपीज में मिल रहा है। दोस्तों प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले आपको टॉप नॉच मिल जाएगी, साथ ही कैमरा क्वालिटी और परफॉर्मेंस भी डिसेंट मिलती है, तो अंडर 20,000 रुपीज में आपके लिए एक डिसेंट ऑप्शन हो सकता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा इस लिस्ट का दूसरा स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M33। अगर आप एक सैमसंग के डाई हार्ड फैन हैं और कोई नॉन चाइनीज ब्रांड का स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज में लेना चाहते हैं तो फिलहाल यही फोन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इस लिस्ट का यही स्मार्टफोन है जिसमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, साथ ही कैमरा क्वालिटी भी टॉप नॉच मिल जाएगी। यह 6.6 इंच की फुल एचडी प्लस TFT LCD डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, 600 निट्स की ब्राइटनेस और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ। इसके अलावा इसमें सैमसंग एक्सिनोस 1285nm 5G प्रोसेसर मिलता है जिसका अंतत स्कोर इस फोन के साथ 3,90,000 के करीब मिल जाएगा। उसी के साथ 50 मेगापिक्सल वाइड, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप। इसमें आप 4K 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके अलावा 6000mAh की बड़ी बैटरी, 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 4.5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट, एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम विद UI 4.1, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm ऑडियो जैक, LPDDR4X रैम टाइप, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप, 8GB वर्चुअल रैम, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, ड्यूअल स्टैंडबाय 5G और NFC जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। इसका 6GB 128GB का वेरिएंट 18,000 और 8GB 128GB का वेरिएंट 20,000 रुपए में मिल रहा है। इसमें आपको बड़ी बैटरी, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट और क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा। वैसे इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा इस लिस्ट का तीसरा स्मार्टफोन है लेटेस्ट पोको X5 5G। दोस्तों ये अभी लॉन्च हुआ है जो पोको X4 का सक्सेसर है। वैसे पोको X5 प्रो 5G भी लॉन्च हो चुका है। अगर आप अपना बजट 2,000 रुपए तक एक्सटेंड कर सकते हैं तो मैं आपको पोको X5 प्रो 5G को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन आपको 22,000 रुपीज में मिल जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं पोको X5 5G की। यह 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, 1200 निट्स की ब्राइटनेस, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 और IP53 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ। इसके अलावा इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 6nm 5G प्रोसेसर मिलता है जिसका अंतत स्कोर इस फोन के साथ 400,000 के करीब आता है। दोस्तों स्नैपड्रैगन 695 एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है जो अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इसमें आप गेमिंग वगैरह भी एकदम स्मूथली कर सकते हैं। उसी के साथ 48 मेगापिक्सल वाइड, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप। इसमें भी आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके अलावा 5000mAh की बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम, MIUI 13, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, स्टीरियो स्पीकर्स विद 3.5mm ऑडियो जैक, IR ब्लास्टर, LPDDR4X रैम टाइप, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप, वर्चुअल रैम, हाइब्रिड सिम स्लॉट, ड्यूअल स्टैंडबाय 5G विद 7 5G बैंड्स और NFC जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके 6GB 128GB वेरिएंट की प्राइस 19,000 रुपीज है
दोस्तों प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस और डिस्प्ले फ्लैगशिप लेवल की मिलती है, साथ ही पोको में आपको एड्स और ब्लोटवेयर्स नहीं मिलते। तो अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीस में लेना चाहते हैं तो इसे परचेस कर सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा इस लिस्ट का चौथा स्मार्टफोन है रियलमी 10 प्रो 5G। दोस्तों इस लिस्ट का सबसे स्टाइलिश और बेस्ट कैमरा क्वालिटी वाला स्मार्टफोन है। अगर आप 20,000 रुपीस में एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो इसे परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। इसके अलावा हाई परफॉर्मेंस, बेस्ट बिल्ड क्वालिटी और एंड्रॉइड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगी। यह था 6.72 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट और 600 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। इसके अलावा इसमें भी आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 6nm 5G प्रोसेसर मिलता है, जिसका अंतुदु स्कोर इस फोन के साथ 400,000 से भी ज्यादा आता है, तो परफॉर्मेंस के मामले में भी कोई इशू नहीं आएगा। उसी के साथ 108 मेगापिक्सल वाइड, 2 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप। इसमें भी आप सिर्फ 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके अलावा 5000mAh की बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, एंड्रॉइड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम, रियलमी UI 4.0, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, स्टीरियो स्पीकर्स विद 3.5mm ऑडियो जैक, LPDDR4X रैम टाइप, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप, 8GB के वर्चुअल रैम, हाइब्रिड सिम स्लॉट, ड्यूअल स्टैंडबाई 5G विद 7 5G बैंड्स और NFC जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। इसके 6GB 128GB वेरिएंट की प्राइस 19,000 रुपीस और 8GB 128GB वेरिएंट की प्राइस 20,000 रुपीस है। दोस्तों अगर आप एक बेस्ट कैमरा क्वालिटी वाला स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीस में लेना चाहते हैं तो इसे कंसीडर कर सकते हैं। वैसे इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं इस लिस्ट के आखिरी स्मार्टफोन की तरफ, तो वो है मोटोरोला G73। दोस्तों इस लिस्ट का सबसे पावरफुल प्रोसेसर आपको इसमें मिलेगा, उसी के साथ क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉल्बी एटमॉस, डिसेंट बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले क्वालिटी मिल जाएगी। यह था 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, 600 निट्स की ब्राइटनेस और वाटर रिपेलेंट डिजाइन के साथ। इसके अलावा इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 930 6nm 5G प्रोसेसर मिलता है, जिसका अंतुदु स्कोर इस फोन के साथ 410,000 के करीब आता है। इसके CPU और GPU की परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 695 से थोड़ी ज्यादा ही मिलेगी। उसी के साथ 50 मेगापिक्सल वाइड, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप। इसमें आप 1080p 60fps पर वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके अलावा 5000mAh की बैटरी, 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, एंड्रॉइड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम, थिंकशील्ड की मोबाइल सिक्योरिटी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, स्टीरियो स्पीकर्स विद 3.5mm ऑडियो जैक, LPDDR4X रैम टाइप, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप, हाइब्रिड सिम स्लॉट, ड्यूअल स्टैंडबाई 5G और NFC जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। इसके 8GB 128GB के वेरिएंट की प्राइस 19,000 रुपीस है। दोस्तों प्राइस के हिसाब से एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। इसमें आपको परफॉर्मेंस, कैमरा क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी डिसेंट मिलती है। इसके अलावा आप मोटोरोला G82 के साथ भी जा सकते हैं, उसमें आपको OLED डिस्प्ले मिलती है, उसकी प्राइस 20,000 रुपीस से थोड़ी ज्यादा है। अगर आप अपना बजट थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वैसे इन सभी स्मार्टफोन की बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन जो 20,000 रुपीस के प्राइस रेंज में आते हैं। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।